हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आपको याद है कि मैंने हायर एजुकेशन का एक वीडियो बनाया था एंड दैट वाज द पार्ट वन ऑफ हायर एजुकेशन एंड बहुत दिनों बाद मैं हायर एजुकेशन का पार्ट टू बनाने वाली मतलब लेकर आई हूँ तो ये वीडियो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप पार्ट टू लेकर क्यों नहीं आ रही है सो हियर इट इज़ सो लेट्सटार्ट विथ क्योंकि हमने पहले एंशियंट एडुकेशन पढ़ा है तो हमने वो पार्ट वन में पढ़ा है तो uh, अगर इट्स पॉसिबल इफ़ इट्स पॉसिबल आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट पार्ट वन वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड नाउ वी विल स्टडी द डिक्लाइन ऑफ द एंशियंट एडुकेशन सो हाउ द एंशियंट एजुकेशन वैनिश एंड इट वॉज नो वेर in our country. So, how did it decline? Hua? With continuous Islamic invasions, many education centers were destroyed. We know that Bhakti Khilji destroyed Nalanda, he destroyed uh, Vikramshila. So, many uh, eminent universities were destroyed by the Islamic invasions. Vedic system of education moved to south. It was under the patronage of Vijayanagara rulers from the Vedic servants, Savans, Shayana, and Madhava wrote commentaries on the Vedas. The Muslim ruler elite promoted urban education in terms of libraries and literary societies. They founded primary schools, maktabs, in which students learned reading, writing, and basic Islamic prayers, and secondary schools, madrasas.

During Mughal era, Persian was the court language, and elite boys could attend Persian schools to learn literature, history, ethics, law, administration, and court protocol. More intimate settings for the spread of ideas were the retreats, khanka, of famous Sufis, Muslims who uh, professed mystic doctrines. तो उनको हम सुफीस कहते थे संस्कृत अकाडमीज़ कंटिन्यू टू तो टीच यंग मेल ब्राह्मण्स लिटरेचर एंड लॉ तो ऐसे डिक्लाइन हो गया हमारा एंशंट एडुकेशन नाउ द एवोल्यूशन ऑफ़ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अब ये तो सारी हो गई 1947 फोर्टी सेवन की पहले की बात नाउ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे हायर एजुकेशन का एवोल्यूशन हुआ हाउ इट इवॉल्व सो लेट्स बिगिन मॉडर्न एजुकेशन बिगैन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल द थ्री बेसिक एजेंट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया वेर एस फॉलोज एक था ब्रिटिश रूल द सेकेंड वन वॉज़ क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन मिशनरीज आपको पता होगा कि जो स्कूल कॉन्वेंट कॉन्वेंट होती है हम देखते हैं ना स्कूल्स के नाम सेंट से शुरू होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन बॉस्को हाई स्कूल दैट इज़ ए कॉन्वेंट स्कूल सो जहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर्स होते हैं फादर्स होते हैं ब्रदर्स होते हैं तो वैसे स्कूल्स को हम मिशनरी स्कूल्स कहते हैं या कॉन्वेंट तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब वो हम स्कूल को नहीं बता रहे पर द थ्री बेसिक एजेंट्स ऑफ मॉडर्न एडुकेशन क्या क्या थे ब्रिटिश रूल क्रिश्चियन मिशनरीज इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स तो क्रिश्चियन मिशनरीज बाद में जाकर मिशनरी स्कूल बनाए द कंपनी वांटेड सम एडुकेटड इंडियंस तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एडुकेटेड इंडियंस चाहिए था इसलिए उन्होंने इंडियंस को ऐसे एडुकेशन um, दी द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम्स एंड लॉज वेल वारेन हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश द कैलकाटा मद्रासा इन सेवनटीन एटी वन फॉर द टीचिंग ऑफ तो ब्रिटिश तो हम सबको पता है कि उसने डिवाइड एंड रूल किया तो कैसे किया मुस्लिम्स के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन uh, इस्टेब्लिश किया दैट वाज कलकत्ता मद्रासा एंड इन 1791 नाइनटी इस संस्कृत कॉलेज वाज स्टार्टेड इन वाराणसी बाय जोनाथन डनकन फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसॉफी एंड लॉ सिस्टम the charter act of 1813 was the first step towards education being made an objective of the government. there was some split in the government viewpoint about the nature of education, whether it should be traditional or modern. 1835 may. william bentinck ke under, under lord william bentinck it was decided to introduce english as the medium of instruction. It was decided to introduce English as the medium of instruction. The Macaulay minutes referred to his proposal of education for the Indians. तो Macaulay minutes सम सबको पता है कि उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम कुछ Indians को educated बनाएंगे और वो बाकी Indians को educated बना देंगे। तो हम बनाएंगे कुछ कॉन्लीय फ्यू। So this system was the इनफिल्ट्रेशन थ्योरी और उसने कहा था कि इंडियंस होनी चाहिए रंग में तो इंडियंस ही होंगी पर उनकी टेस्ट उनकी प्रेफरेंस इंग्लिश होगी ही विश्ड टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस हु इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड एफिलिएशन सो ही बिलीव्ड ओरिएटल कल्चर क्योंकि हमारे यहाँ तो ओरिएटल कच कल्चर ही थी ओरिएटल मतलब ईस्टर्न एडुकेशन या ट्रेडिशनल एडुकेशन तो वो समझता था कि ओरिएटल एडुकेशन तो एकदम बेकार है डिफेक्टिव है अनहोली है ही बिलीव्ड इन एडुकेटिंग ए फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स अल्टीमेटली एडुकेशन वो ट्रिकल डाउन करेगी हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट पढ़ते हैं न कि ओ oh, कुछ को कराएंगे फिर वो स्प्रेड करेंगे टू द बॉटम मीन्स टॉप टू बॉटम लेवल इन 1835 थर्टी फ़ाइव में क्या हुआ एल्फिनस्टोन कॉलेज बॉम्बे एंड कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वेर फाउंडेड एंड द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा मद्रास एंड मुंबई वेर आर इन एटीन फिफ्टीज़ जैसे मैंने सी यू से पास आउट किया है तो मुझे पता है कि कैलकटा यूनिवर्सिटी एटीन फिफ्टी सेवन के आसपास टब्लिश हुई थी तो बाकी सब भी एटीन फिफ्टीज एटीन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन उसी के आसपास इस्टैब्लिश हुई होंगी देयर वॉज़ ह्यूज डिमांड फॉर क्लर्क्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इन द तो क्लर्क्स चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए तो सी बात है एडुकेटेड होना पड़ेगा तो हंटर कमीशन एटीन टू 1883 एटीन द सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन फिर से पढ़ रही हूँ हंटर कमीशन एटीन टू 1883 एटीन द सेग्रीगेट तो उसने क्या किया हंटर ने आकर प्राइमरी और हायर एजुकेशन को अलग अलग कर दिया इन 1902 हंड्रेड टू वाज सेट अप अंडर सर थॉमस रैली to inquire into conditions and prospect of setting up of universities in india as a result indian university act was passed in 1904 in 1905 national council of education was set up in 1905 by swadeshi nationalist leaders in 1905 national council of education was set up in

श्री रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन इन बंगाल ड्यूरिंग द एरा इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टीन देर वॉज़ ए रिजोल्यूशन ऑन एडुकेशन पॉलिसी इन नाइनटीन सेवेंटीन सैडलर कमीशन पॉपुलरली नोन एज कलका यूनिवर्सिटी कमीशन सजेस्टेड द सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एडुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस तो सैडलर को कैलका यूनिवर्सिटी में आ, काम करने के लिए मतलब कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए ही वो फेमस है क्योंकि वो बस कैलकाटा के लिए ही काम किया था उसने तो सैडलर कमीशन को हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जानते हैं एंड इट केम इन विच ईयर इन 1917 इसने क्या सजेस्ट किया कि इंटरमीडिएट एडुकेशन और डिग्री कॉलेज को सेपरेट कर दो इट सजेस्टेड द सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम द डिग्री कॉलेज मतलब जो कॉलेज डिग्री दे रही है ग्रेजुएट करवा रही है तो उससे इंटरमीडिएट एजुकेशन को अलग कर दो इट हैड बिन द प्री करसर टू द टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम एंड सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल एडवाइसरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब भी इसने ही बोला था सेटअप करने के लिए

अबाउट उड रिपोर्ट नाइनटीन थर्टी सेवन रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है वर्धा स्कीम ऑफ एडुकेशन रिकमेंडेड नई तालीम वर्धा स्कीम ऑफ़ एडुकेशन तो महात्मा गांधी की रिकमेंडेशन में हुई थी एंड देन कम्स द सर्जेंट एडुकेशन द लास्ट वन नाइनटीन फोर्टी फोर में ऑल्सो नोन एज द स्कीम ऑफ द पोस्ट वार एडुकेशनल डिवलपमेंट इन इंडिया रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ यू जी सी तो तब यू जी सी सेटअप हुआ नहीं था बट सर्जेंट रिपोर्ट ने ऐसा रिकमेंड बस किया था कि ऐसा एक बॉडी हमें सेटअप करना चाहिए कैसा बॉडी उसका नाम क्या था यू जी सी नो डाउट इट्स स्प्रेड सो ये सर्जेंट रिपोर्ट अपने आप से ही यू जी सी नेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तो यू इसने ही रिकमेंड किया था कि यू जी सी को सेटअप किया जाए नो डाउट इट्स स्प्रेड वेस्टर्न एडुकेशन एमंग इंडियंस बट द रेट ऑफ लिटरेसी वॉज एप्सिमली लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल

एंड uh, यहाँ पर एक क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स इन इंडिया वी आर इस्टेब्लिश्ड इन एटीन फिफ्टी सेवन प्रेसिडेंसी टाउन्स मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा मद्रास मुंबई के बारे में ये पूछ रहे तो ये सारे कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुए थे एटीन फिफ्टी सेवन में ऑन इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट थ्री वी विल बी स्टिंग द मॉडर्न एडुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पर राधा कृष्णन मुदालियार कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन कोठारी कमीशन ये सारे चीज़ आते हैं सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा एंड इफ यू फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल दैट इज़ यू जी सी नेट पर